नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, आज हम एक टीवी को रिपेयर करने वाले हैं। ये एक अल्ट्रा स्लिम की किट है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें फॉल्ट क्या है और इसे हम जो है कैसे रिपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसमें देखते हैं कि हमारा फॉल्ट कहाँ है। तो यहाँ देखिए, इसमें यहाँ पे काफ़ी ब्लैक हो गया है दोस्तों, काफ़ी सर्किट हमारे जल चुके हैं। तो सबसे पहले जो हमें इन्हें ही चेंज करना होगा, बाकी सप्लाई हम बाद में देखेंगे दोस्तों। हमारी सप्लाई यहाँ 110, 24 वोल्ट, 18 वोल्ट, 12 वोल्ट अलग अलग दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इन्हीं सर्किट को चेंज करना होगा। तो चलिए फटाफट हम पहले इन सर्किट को दोस्तों चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर हम अभी दोस्तों टीवी को ऑन करेंगे तो हो सकता है हमारा कोई और सर्किट ख़राब हो जाए। तो सबसे पहले मैं दोस्तों फटाफट इसके सर्किट निकाल देता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, फिलहाल जो हमारे इसमें सर्किट अभी ख़राब मुझे लग रहे हैं वो हमारा 160 वोल्ट के आसपास कैपेसिटर होता है दोस्तों, ये हमारा ख़राब लग रहा है। और हमारी 2x2 ओम की रेजिस्टेंस भी दोस्तों यहाँ ख़राब है। इन दोनों को हम सबसे पहले जो है चेंज कर देते हैं। ये हमारी ख़राब रेजिस्टेंस है जो कुछ भी ओम शो नहीं कर रही। तो ये हमारी दोस्तों रेजिस्टेंस है, यहाँ देखिए ये हमारी रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे कैपेसिटर हमारा खराब है दोस्तों, जो कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। तो हम नया कैपेसिटर यूज़ करेंगे। ये हमारा नया कैपेसिटर यहाँ 160 वोल्ट का था दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ 200 वोल्ट लगाऊंगा। दोस्तों हमारा एक कैपेसिटर जो है यहाँ पे चेंज हो गया फटाफट से। रियल टेस्ट को दोस्तों मैं यहाँ पे शॉर्टकट यहाँ लगा लेता हूँ, क्योंकि हमारा कैपेसिटर जो है थोड़ा सा बड़ा लगा है, इसलिए रेजिस्टेंस वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रही है। इसलिए हम इसे यहाँ पे शॉर्टकट ही लगा देंगे। जब भी आप इसमें टीवी की किट जोड़ें तो माइनस की जो वायर होती है, अर्थिंग होती है, यहाँ पर ज़रूर लगाएं। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो कई बार आपकी पिक्चर ट्यूब भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ दोस्तों हमारी वायरिंग हो गया। मैं इसमें अब लाइन दे देता हूँ और फिर हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी वोल्टेज सही आई या नहीं। मल्टीमीटर की फ्रॉक को दोस्तों मैं यहाँ पे माइनस में लगा देता हूँ और इसे हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। टीवी को दोस्तों मैं ऑन कर चुका हूँ। यहाँ देखिए, इसे मैंने अभी सीरीज़ में लगाया है इसलिए ये लाइट जो है फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ देखिए हमारी वोल्टेज जो है 110 ओके हो गई है। तो अब दोस्तों है इस टीवी को हम डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वोल्टेज जो है बिल्कुल सही आ रही है। तो ये हमारी दोस्तों सीरीज थी। अब जो हम इसे डायरेक्ट लगाएंगे, तो दोस्तों ये हमने इसे डायरेक्ट लगाया। तो यहाँ पिक्चर में देखिए टीवी में जो है स्क्रीन आ गई है, लेकिन दोस्तों यह भी वाइट है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो इसे जो हम ESD से सेट करेंगे। अगर दोस्तों हमारी पिक्चर ESD से सेट करने पर सही हो जाती है तो हमारा टीवी जो है बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर दोस्तों ये सेट नहीं हुई तो हमें इसे कुछ हमें इसमें कोई और सर्किट देखना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए, ये ESD से सेट करने पर ठीक हो गई है। ये आपको दोस्तों काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा दोस्तों, एक्चुअली ये जो किट है अल्ट्रा स्लिम की है, इसलिए यह इसमें
फिट नहीं होती है। तो यहाँ हमारे मतलब पिक्चर से था, जो पिक्चर हमारी दोस्तों ओके हो चुकी है, ये हमारा टीवी ठीक हो गया है। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो वीडियो जो है आप तक पहुँच जाए।